इंदौर के पास महू वन विभाग में कई दिनों से चल रहे हंगामे ने आज बड़ा रूप ले लिया। महू रेंजर महेश अहिवार के अनुसार वन विभाग के एसडीओ अजय कुमार अवस्थी और उनके पुत्र रेंजर के सरकारी मकान में पहुंचे और उनके साथ मारपीट की गई। साथ ही जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल भी किया गया और उनका मोबाइल छीन लिया, जिसके बाद रेंजर और उसकी पत्नी स्थानीय महू थाने पहुंचे और मामले की शिकायत करनी चाहिए, लेकिन महू थाना प्रभारी अभय नेमा ने मामला दर्ज करने से इनकार कर दिया। मीडिया के आने के बाद नेमा ने रेंजर से आवेदन देने को कहा। जानकारी के अनुसार वन विभाग के आला अधिकारी ने रेंजर को निलंबित कर धार अटैच किया है, जिसको लेकर रेंजर ने आरोप लगाया है कि अधिकारियों ने राजनीतिक दबाव के चलते ये कार्यवाही की है, जिसकी निष्पक्ष जांच करने के लिए उच्च अधिकारियों से मांग की है। गौरतलब है कि रेंजर महेश अहिरवार का मोबाइल छीनने के पीछे कई राज है। सूत्रों का कहना है कि एसडीओ का पूरा काला चिट्ठा रेंजर के मोबाइल में है, जिसके भय के कारण आज एसडीओ का पुत्र अपने 8-10 दोस्तों के साथ रेंजर के घर पहुँचा और उसके साथ हाथापाई करते हुए उसे अभद्रता की। पीथमपुर से संजय सोनगरा की रिपोर्ट। लेकिन पहले मेरा आवेदन स्वीकार किया जाएगा। आवेदन नहीं लिया जाता है, पहले अरे हम दोनों पता है। लेकिन किसके आवेदन पे एमएलसी कर रहा हूँ? किसके आवेदन पे एमएलसी कर रहा हूँ? प्रक्रिया है, सबसे पहले आप ये बताओ, आप जो मेडिकल कराया बात करो। जब आपने आपने अगर कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करी तो एमएलसी किस बात की? किसके आवेदन पे आपने कोई एक बाहर का आदमी पढ़ के एमएलसी कर दोगे किसी की? फरियादी आया है, फरियादी का आवेदन कहाँ है? फरियादी का आवेदन कहाँ है? तो हमारा आवेदन रिसीव करो ना, फाइल लिखेंगे डायरेक्ट। तो हमारा आवेदन रिसीव करो ना, सबसे एमएलसी कराओगे, सबसे एमएलसी कराओगे है ना? ऐसे 17-8 नियम का इनका, अरे सुनो, इनका इनका आवेदन इन्होंने रिसीव कर लिया, इनका आवेदन इन्होंने रिसीव कर लिया और मेरा आवेदन रिसीव कर लिया, इनके इनके आवेदन पे हमारा एमएलसी करा रहा है, काहे की एमएलसी? हां 17 साल गुजर लिया हमने, ऐसे ऐसे 17 साल गुजर लिया हमने, हां पीछे देख ले, काहे की किस चीज की एमएलसी बताओ, पूरा रिकॉर्ड करते हो किस चीज की एमएलसी बताओ। महेश अहिरवार हूँ, वन परिक्षेत्र अधिकारी महू में कार्यरत था। पिछले 26 जून को मुझे एसडीओ साहब ने कुछ भी असत्य आरोप लगा करके और सस्पेंड करवा दिया है। आज दिनांक को मैं उसी सस्पेंशन के आरोप के विरुद्ध में अपना स्पष्टीकरण लेकर के मेरे स्वयं के कार्यालय में उपस्थित हुआ था, परंतु इनको ये पसंद नहीं आया और इनका पुत्र और ये स्वयं मेरे कार्यालय में उपस्थित हुए और मेरे से झूमा झटकी की, क्योंकि इनके विरुद्ध जो भी इनने अनर्गल कार्य किए हैं या लकड़ी की चोरी करवाई है या और भी जो अवैध काम किए हैं उनके मेरे मोबाइल में सबूत थे, तो मेरा मोबाइल भी इनका पुत्र और ये छीन के ले गए और मेरे से मारपीट की, लातें मुँह से मारे और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया और इसके पश्चात मोबाइल लेके और वो भाग गए वहाँ से। और मेरी पत्नी ये सारी चीज़ें सुन के घर से बाहर निकल के आई तो पत्नी के साथ भी इन्होंने अभद्र व्यवहार किया। अभी तक आपने थाने पे इसके बारे में? थाने पे हमने सूचना दी तो मेरे आवेदन में, जबकि थाने पे पहले प्रस्तुत हुआ था, यहाँ उपस्थित हुआ था, हमने आवेदन लिख के दिया, परंतु मेरा आवेदन स्वीकार नहीं किया गया। और उसके पश्चात पहले एसडीओ साहब आए जो जिनने मेरे विरुद्ध ये गलत कार्य किया है या मेरे को गाली गलौज या मारपीट की है, वो आए मेरे से पश्चात और उसके पश्चात उनने उनका आवेदन पहले स्वीकार कर लिया, मेरा आवेदन बाद में स्वीकार किया पुलिस थाना कोतवाली महू में। आपका नाम बता दीजिए। मैं महेश कुमार अहिरवार। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।